चलिए तो आज का सेशन अपना छोटा सा है, मात्र 3-4 मिनट का वीडियो होगा। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा सीधा मुद्दे की बात करूंगा। और जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो यार मैं आपको मोटिवेशन मतलब मोटिवेटेड लाइन भी सुनाऊँ तो क्या सुनाऊँ, कितना एग्जाम डेट कितना और ज़्यादा जाएगा भाई। कम से कम 2 साल होने को आ गया लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है क्या हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही है। आज भी लगभग 40 लाख 4 मिलियन प्लस स्टूडेंट ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया, क्या कोई उसका असर हुआ? उसका पूरा का पूरा मुआयना मैं आज आपको बताने लगा हूँ। असर हुआ है, कितना हुआ है, अभी और कितना हो सकता है। तो अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले, CBT 2 की तैयारी करने वाले जिन्होंने पहला पेपर दिया है, दूसरा नंबर जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, इस बार उनको सिलेक्शन लेना ही लेना है, मतलब RRB अब की बार फोड़ना है। देखिए हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट हो जाए, हो सकता है आपका RRB का एग्जाम, RRC का जो एग्जाम है वो लेट हो जाए ग्रुप डी का, लेकिन एग्जाम तो होगा, ये तो डेफिनेट है। वैकेंसी कैंसिल नहीं हो सकती, ये तो पक्का है। तो आपकी जो परीक्षा है वो तो होगी, ठीक। अब कितना कब होगी, कितना टाइम लग सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आज है 27 सितंबर, जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ शाम को लगभग 10:30 बजे के करीब, तो ये वीडियो आज ही आपको अपलोड या आज कल सुबह मिल जाएगी। तो आज जो था वो 27 सितंबर था, और इस दिन आपका जो ट्विटर पर कैंपेन चला था, कहाँ पर कैंपेन चला था? ट्विटर कैंपेन, ठीक, मतलब जो ट्विटर पर आप लोगों ने अभियान चलाया था उसमें भी मैंने भी सपोर्ट किया था काफ़ी अच्छा, और स्टूडेंट से बोला भी था और स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा उस पर रेस्पॉन्स भी दिया था। तो आज का जो ट्विटर कैंपेन था शाम को जब मैंने देखा तो उस पर लगभग 4 मिलियन प्लस ट्विटर पर जो हमारे कमेंट्स थे, मतलब एक तरीके से जो हमारी पोस्ट वगैरह कमेंट वगैरह जो कुछ भी था वो 4 मिलियन था ट्विटर पर। हैशटैग में ट्रेंड कर रही थी ये बात, और हैशटैग #1 ट्रेंड कर रही थी। क्या कर रही थी? #1 ट्रेंड कर रही थी, यानी कि मोदी जी के कान तक ये बात पहुंच चुकी है। मोदी जी ने भी देख लिया होगा कि ये बच्चे अब ग्रुप डी वाले भी ज़्यादा परेशान हैं। हमने कैंपेन चलाया था, मतलब हमने का मतलब सभी लोगों ने मिलकर जब यूट्यूब पर कैंपेन चलाया था RRB NTPC के लिए, तो RRB NTPC ने हमारी बात को सुना था, यानी कि रेलवे ने हमारी बात को उस समय सुना था, और मंत्री थे आदरणीय पीयूष गोयल जी थे, तो उन्होंने हमारी बात को सुना था। आज भी हमारी बात को सुना जाएगा, ये पक्की बात है। हो सकता है देर है पर अंधेर नहीं, सरकार सुनेगी जरूर, लेकिन अगर हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं करना है। आज के ट्विटर कैंपेन का पूरा प्रोसेस बता दूं आपको। जब हमारा ये #1 रहा तो कुछ विपक्षी दल भी होते हैं राजनीतिक, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं किसी भी दल को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपने ट्वीट किए हैं, स्पीक अप फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स एंड मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने भी कमेंट कोशिश किया। बाकी स्टूडेंट की अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट हैं, 1.5 करोड़ स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप डी का पेपर देंगे, तो ये तो डेफिनेट है बच्चों, मतलब डेफिनेट है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट को समझ लेना चाहिए कि अगर आप अपनी आवाज को उठाते हो तो आपका पेपर होगा। आज के ट्विटर कैंपेन का पूरा क्या रहा श्रेय, तो मैं आपको बता दूं, आज का ट्विटर कैंपेन आपको 75% एग्जाम डेट की ओर ले जा रहा है। सरकार मुस्तैद हो गई है एक तरीके से ये समझ लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है, वो कब पूरी होगी वो भी बताता हूँ। 75% आपका एग्जाम होगा ये पक्का है, कब होगा वो भी बात कर रहा हूँ। अब है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर है अहिंसा दिवस, यानी कि गांधी जयंती। गांधी जयंती वाले दिन सभी स्टूडेंट कैंपेन चला रहे हैं, सभी ने मतलब ये मान लिया है कि ट्विटर पर फिर से एक बार कैंपेन चलाना है। अगर सरकार इसका पूरा कंप्लीट रेस्पॉन्स इस 4 मिलियन का प्लस का नहीं देती तो 2 अक्टूबर को हमें फिर से कैंपेन चलाना है। जो हमारे RRB ग्रुप डी एग्जाम डेट इस तरीके से जो हैशटैग में लगा हुआ था #RRB ग्रुप डी एग्जाम डेट, इस तरीके से आपको वहां पर ट्वीट करना है ट्विटर पर जाकर कि ट्वीट कीजिएगा आप भी, तो कैसे #RRB ग्रुप डी एग्जाम, इस तरीके से आपको जो ट्वीट करना है तो वो 2 अक्टूबर को भी आपको करना है। अगर आप 2 अक्टूबर को भी इसी तरीके का रेस्पॉन्स दिखा देते हैं
तो ये मान लीजिए 99% आपकी जो एग्जाम है, 99% एग्जाम आपकी 2021 दिसंबर के लास्ट से पहले शुरू होने की 99% संभावना है अगर आप दोबारा से इस काम को कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर इसका भी देखें तो ये कब एग्जाम हो सकता है, तो ये मान लीजिए अब आपका एग्जाम हो सकता है दिसंबर के अंदर, कब, दिसंबर के अंदर, और मिड नवंबर से भी इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन मिड नवंबर के करीब मतलब 15 दिन पहले इंटीमेशन मिल देना और 2-2.5 महीने पहले आपको सब कुछ बताया जाता है नोटिस के द्वारा, तो हम मान सकते हैं दिसंबर स्टार्टिंग में, दिसंबर स्टार्टिंग तक आपकी परीक्षाएं एक तरीके से 99% होने वाली हैं। 99% 1% केस में तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन 99% केस में दिसंबर की स्टार्टिंग में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो आप लोगों को तैयारी भी बेहतर तरीके से करनी है, ऐसा ही नहीं कि सर एग्जाम डेट पता चला कि तैयारी नहीं कर पाई, तो तैयारी भी बेहतर तरीके से आपको करनी है। तो मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि जो आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है ये डिपेंड करता है जनरल साइंस की क्लास पर। जनरल साइंस आपकी कितनी है, मतलब जनरल साइंस जो आपका है वो कितना अच्छा है, अगर आपका साइंस अच्छा है तो साइंस ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका साइंस, क्योंकि मैथ को सभी लोग कर लेते हैं, रीजनिंग को सभी लोग कर लेते हैं, मार्क्स खाते हैं तो सभी लोग जनरल साइंस को खाते हैं, तो स्पेशली आपके लिए 1000 प्लस क्वेश्चन का, प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनका 1000 प्लस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जनरल साइंस की स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी एक्सपर्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम लगभग 50 सीरीज कराएंगे, 50 मॉक टेस्ट कराएंगे, और इन मॉक टेस्ट को अपने इसी चैनल पर कराएंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये मान लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। जो भी स्पेलिंग है SUBSCRIB, क्या है, SUBSCRIB, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है सिटी इंटीमेशन मेल से संबंधित, या फिर सर मेरा मेल कैसे आएगा, मेरा एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड कर पाऊंगा, उस टाइम पे मेरे पास ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हमारी टीम बैठी हुई है, विद इन 5-10 मिनट्स आपके कमेंट का आंसर भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए, 2 अक्टूबर का ध्यान रखिएगा, इस दिन भी हमें कैंपेन चलाना है और बेहतर तरीके से क्लासेस को भी लेना है, एग्जाम की तैयारी जरूर करनी है। तो जनरल साइंस के लिए इस चैनल को, जनरल साइंस के लिए स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स NTPC के CBT 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।